रैम पा रहा भाई जो बिल्कुल सस्ती और वीडियो से पता चलेगा क्वालिटी कैसी है। मॉम का रिएक्शन वैसे भी डेड होना है, हम बनाएंगे एक सेपरेट वैसे साथ में गुड फैट के लिए एवोकाडो ले रहे हम। मम्मी तो इसको देख के ज्यादा खुश होगी। खाली हाथ नहीं है वो, इजिली रखो और टेस्टी भी बन जाता है। और टेक्निकल वर्क है चैनल अगेन। पैकिंग चल रही है ऑन फायर। नया टैंक टॉप बाहर से मंगाया हमने, वो दिखाएंगे आगे वीडियो में वर्कआउट में। जो हमारा लास्ट टाइम वर्कआउट ही चलता रहता दिमाग में, क्या हो गया मेरा। जो लास्ट टाइम फुल डे ऑफ ईटिंग हाफ ईटिंग हो गया, उसको आज हम पूरा करेंगे। और कल मॉम का बर्थडे भी है तो उनके लिए भी कुछ प्लान करना है आज, केक के अलावा भी। हर टाइम तो केक दे के खत्म बातचीत। तो मैं सोचते हैं कि अभी इतना सेव करा है तो थोड़ा मॉम पे भी उड़ाए, तब तक खुद पे उड़ाते रहेंगे। तो गाइस मॉम के लिए भी देखते हैं कुछ। पहले फुल डे ऑफ ईटिंग का जो था मेन टॉपिक, जो मेरी अभी कट के टाइम पे डाइट चल रही है वो दिखाऊंगा। और कार्ब साइक्लिंग जो मैं कर रहा हूँ और आप भी कर सकते हो, पता नहीं लोग बताते नहीं बताते, प्रोटीन इनटेक कितना है हाई और कार्ब्स कितना हाई लो, वो सब आगे पता चलेगा। दो मील लास्ट वाली वीडियो में से देख लेना। और लोग पूछेंगे टी शर्ट कहाँ से ली, ये भी लेयर्स का ही माल है, आएगा ये भी। बस शूट चल रहा है अब प्रोमो वीडियो का, वो लाइव होते ही वीडियो वेबसाइट लाइव होने वाली है एंड डोमिनेट करेंगे हम सबको। और गाइस प्री वर्कआउट में मैं ले रहा हूँ मसल प्लेस का रेथेक्स, ये अब तक का बेस्ट प्री वर्कआउट फॉर्मुलेशन है एज गुड एज इंटरनेशनल ब्रांड्स। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और आपको पता है ये कोड यूज करना है, कोड है ABHI30, ठीक है, 4x डिस्काउंट। लेट्स गो। तो गाइस वार्म अप हो चुका है, वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज एनी टाइम आ रखे हैं क्योंकि घर के पास, और जल्दी जल्दी करके वर्कआउट जाना और आर्म्स दे, तो आर्म्स का वर्कआउट यहाँ पे भी हो सकता है। और यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल वर्क है, आर्म्स तो हम कहीं भी लगा देंगे और वर्कआउट भी डिफरेंट है। लास्ट टाइम भी देखा होगा आपने, जो लोग मेरे को फॉलो करते जो नहीं करते भाई ऐसे ना करो। समझ नहीं आ रहा क्या दे गिफ्ट में। बैक टू बैक बर्थडे आ रहे हैं, अप्रैल में पूर्वा का है मॉम का, मई में आता है जून में मेरा। बैक टू बैक मॉम को भी दे दे गुच्ची की बेल्ट। मॉम को लैपटॉप बहुत खराब है भाई, उसको मैंने एक दिन यूज किया था, 10 घंटे लग गए एक ब्राउजर खोलने में, तो इसलिए लैपटॉप ही सोच रहा हूँ। एप्पल वाला मॉम को समझाने में टाइम लग जाएगा मेरे को लग रहा है। एप्पल वाला दे, देखते कौन सा। बस बैटरी चलनी चाहिए और साइड में बस की पैड हो, ये नंबर वाला यूनिक वाला, बस ग्राफिक कार्ड से कोई पता नहीं है। इसमें
आपको मिलेगा प्रोसेसर, इंटेल कोर i5 प्रोसेसर। सुन रहा है ना तू, क्या क्या मिल रहा है लोगों का, तो उनके पास है वो अभी भी हैंग करते हैं। सर इसमें प्रोसेसर बेसिक होगा, हो सकता है हाँ बहुत पुराना है लेकिन एप्पल का सही है सीधा। मैं कुक लो और ये प्रो चिप लो खत्म। इसकी डिस्प्ले भी हल्की लग रही है इससे देख, क्या चेक चल रहा है, चेकिंग चल रही है गाइस। ये वीडियो से पता चलेगा क्वालिटी कैसी है इसकी, तो अच्छी नहीं लग रही। हाँ जमीन आसमान में फर्क है। 8 मिनट साउंड चल रहा है बंदे का, ये वाला कर दो। प्राइम मिली है भाई, लोगों ने डिस्काउंट भी करा दिया 5-6 हज़ार का। मम्मी तो इसको देख के ज़्यादा खुश होगी, ये कहीं वीडियो बन जाए, रील बन जाए, यहाँ पे खोलते ही गिर गया। सोच रहे हो कि मैकबुक क्यों नहीं लिया, तो भाई मैकबुक मैकबुक बोलते समझना भी नहीं उन्हें और इतना दिमाग लगाना भी नहीं, और उन्हें ये चाहिए की पैड में निम्न नंबर्स धड़धड़ और विंडो ज़्यादा समझ आता उन्हें। दिखाते हैं जाके, अब मॉम का रिएक्शन वैसे भी डेड होना है, फिर भी वेट कर लो रिएक्शन का। सो गाइस ये वाली मील में कोई मेहनत नहीं है, सचिन से लिया है हम, और जस्ट लैपटॉप लेके आए तो टाइम वाइम था नहीं बनाने का, और इंस्टेंट ही लेनी थी मील, तो भाई का ही काम है, बढ़िया काम है इसलिए। और इसके अंदर लिखा हुआ है ऊपर ही 100 ग्राम चिकन है, इसमें चिकन कम है प्रोटीन और काफ ज़्यादा है 300 ग्राम राइस। तो कार्ब साइकिलिंग में यही है कि सब अलग अलग तरीके से करते हैं, तो मेरी ऑल्टरनेट कार्ब साइकिलिंग चल रही है। लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो फर्स्ट मील में हाई फिर लो देन हाई लो ऐसे करके 6 मील तक। अभी हमारी थर्ड मील चल रही है, थर्ड मील में मेरा हाई कार्ब्स है 300 ग्राम राइस और 100 ग्राम चिकन। हाई कार्ब्स है उसमें प्रोटीन कम है जिससे तुम खा सको, और मिक्स वेजेस भी है इसके अंदर, वेजेस भी 3 ounces है, मिक्स वेजेस है, हम बनाएंगे एक सेपरेट वेजेस रखेंगे, बाहर से लिया ये मतलब नहीं है, बिल्कुल रॉ चिकन है, बॉइल्ड चिकन है, और उसमें बस काला नमक डाल रखा है, प्रेप वाला ही खाना है पूरा। बिल्कुल अपने सामने नाप के लाया हूं मैं, ये रिस्क नहीं ले सकते भाई। सो गाइस कौन सी मील होगी ये, फोर्थ मील, वेरी परफेक्ट मील और बजट फ्रेंडली मील है ये, और हाई प्रोटीन मिलेगा इसमें आपको। तो इसमें हम ले रहे हैं व्हाइट फिश, तिलापिया फिश है ये, जो बिल्कुल सस्ती और मस्त व्हाइट फिश और इजी टू डाइजेस्ट, कटिंग के लिए द बेस्ट। ये मैंने 200 से 250 ग्राम फिश होगी, क्योंकि पैकेट जो आता है 250 ग्राम का ही आता है, तो बनने के बाद ये 160-170 बचेगी। सो गाइस फोर्थ मील इज रेडी, इस मील में 6 ounces ऑफ प्रोटीन है व्हाइट फिश, राइस में ले रखा है हमने 160 ग्राम राइस, तो इस वाली मील में राइस कम है, सैलेड भी ऐड है, मिक्स सैलेड है, तो इसमें है, अगली में नहीं होगा सैलेड, इस वाली ये लास्ट मील है, इसमें सैलेड है, उसके बाद रात में भी नहीं है, आगे पता चलेगा। और इसको हम खा सके उसके लिए एक सॉस जो कि ये जीरो फैट सिराचा, और जो भाई खाना चाहते हैं और जो बनाने से परेशान है अपनी जिंदगी में एंड किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, एक इन्वेस्टमेंट बताता हूँ, एयर फ्राई खरीद लो, एयर फ्रायर खरीद लो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ना किसी को बोलना पड़ेगा, ना खुद इजीली रखो और टेस्टी भी बन जाता है, टॉपिंग्स डाल के और अच्छा बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा टॉपिंग्स नहीं, पेट भी खराब हो जाता है भाई, और हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा टॉपिंग्स है नहीं, तो खाली सिराचा सॉस। एक और चीज़ बताना भूल गया मैं, जो ये फिश बना रखी है, और ये फिश या चिकन बनाने से पहले मैरिनेट कर लेना कोई भी सॉस हो, जो जीरो फैट हो, सिराचा हो, बारबेक्यू वाली भी यूज़ कर सकते हो, जो प्रॉपर डाइट पे नहीं है कर सकते इधर से उधर, ये तो हमें देखना पड़ता है। तो पूरे दिन का तो मैंने आपको बता दिया अपने कार्ब साइकिलिंग, और मैं आज तो आपको दिखा रहा हूँ अपनी सारी कार्ब साइकिलिंग जो भी मैं ले रहा हूँ कार्ब वाप, लेकिन मेरी मंडे टू थर्सडे ये सेम कार्ब साइकिलिंग रहती है, ऑल्टरनेट हाई करके फिर लो, फ्राइडे को जो रहती है मेरी हाई कार्ब्स रहता है पूरे दिन हाई कार्ब्स, और सैटरडे को मॉडरेट सेम, फिर दोबारा संडे को जीरो, ऐसे करके मेरी कार्ब्स साइकिलिंग चल रही है, आप भी ट्राई कर सकते हो। गाइस हमारे केक तो नसीब में है नहीं, तो इसलिए मील ले रहे हैं हम अपनी फोर्थ मील या फिफ्थ मील,
इसके अंदर हाई कार्ब चल रहा है, इसके अंदर है 300 ग्राम राइस, जो वो वाली मील थी पहली वो थी मिलती, थर्ड मील थी वही सेम मील है, 100 ग्राम चिकन और वेजेस थोड़ी सी मतलब एक दो आउंसेस, और अभी केक लेना है मॉम के लिए, और मील भी ले आया था इसलिए मैं, क्योंकि टाइम होने वाला था मील का, और केक भी लेना था।